learners, continuing further in this part 2, we are going to discuss some more basic things. For that, I am taking some examples first of all. Normal body temperature of a human body is 37 degrees Celsius or 98.4 degrees Fahrenheit. अगर हम किसी दुकान पर कपड़ा लेने जाएं, तो हम उसे कहेंगे कि 1 meter कपड़ा दे दो या 2 meter कपड़ा दे दो. इसी तरह अगर हमें किसी चीज का ड्यूरेशन फाइंड करना है तो हम पूछेंगे कि ये एग्जाम कितनी देर चलेगा. द पर्सन विल रिप्लाई दैट इट विल कंटिन्यू फॉर 3 hours और 2 hours. द बेसिक थिंग इज दैट आफ्टर ईच क्वांटिटी आई हैव यूज अ यूनिट. हम मैंने हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट लगाया. जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में बताया, क्लॉथ की लेंथ मीटर्स में मेजर की और इसी तरह टाइम को आवर्स में मेजर किया. नाउ आवर बेसिक टॉपिक इज यूनिट्स. मतलब हम हर चीज को मेजर करते हैं और उसे मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं. दोज यूनिट्स आर क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज, डिराइव्ड एंड बेसिक यूनिट्स. बेसिक यूनिट्स आर जो अपने ही यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. मींस इनके यूनिट कहीं से आते नहीं है, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके अपने ही यूनिट्स होते हैं, जैसे लेंथ मीटर में, मास ग्राम्स में और केजी में, टाइम सेकेंड्स में. तो इस तरह से इनके यूनिट्स कहीं से हमने डिराइव नहीं किए हैं. इसके डिफरेंस को समझने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज, वील टेक द एग्जांपल ऑफ अ डिराइव्ड यूनिट दैट इज फॉर स्पीड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. द बेसिक फॉर्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. एंड इफ वी हैव टू फाइंड स्पीड, द फॉर्मूला विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. हम इस टी को नीचे ले जाएंगे, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर और किलोमीटर्स में. और टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकेंड्स में. तो द यूनिट फॉर स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज द डिराइव्ड यूनिट, जो कहां से आया? फ्रॉम द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. इन द सेम वे डेंसिटी. व्हाट डेंसिटी इज? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब. तो डेंसिटी का यूनिट मास और वॉल्यूम के यूनिट को मिलाकर बना. दैट इज व्हाई दीज आर द डिराइव्ड यूनिट्स. नाउ आई थिंक द डिफरेंस इज क्लियर टू यू दैट बेसिक यूनिट्स आर द यूनिट्स जो कहीं से डिराइव नहीं हुए. टाइम का यूनिट सेकेंड्स है तो सेकेंड्स, मास का यूनिट केजी और ग्राम है तो ग्राम, लेंथ का यूनिट मास है मीटर है तो मीटर. इसी तरह टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में. तो इनके जो यूनिट्स हैं ये हम कहीं से ड्राइव नहीं करते, हेंस दे आर बेसिक यूनिट्स एंड दे आर 7 इन नंबर. ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स, वो क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स हम उनमें यूज होने वाली क्वांटिटीज के बेसिस पर डिराइव करते हैं. स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, जैसे एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब. तो हम ये यूनिट्स डिराइव करते हैं. नेक्स्ट इज कमिंग टू टेम्परेचर. व्हाट टेम्परेचर इज? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. और हम इन्हें मेजर कैसे करते हैं? 3 scales हम इसके लिए यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फारेनहाइट. और हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं फारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फारेनहाइट में. अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, using this formula we can convert the celsius degree celsius temperature to fahrenheit. in the same way if the temperature is given to us in fahrenheit, using this formula we can change it to degree celsius. similarly kelvin can be converted to degree celsius, celsius can be converted to kelvin. अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करेंगे, अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट द टेम्परेचर्स फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फारेनहाइट और केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन. बट मोस्टली वी यूज द SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हम सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग यूनिट्स को यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जैसे अगर हमें टाइम को मेजर करना है तो हम सेकेंड्स में ही करेंगे, लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर में ही करेंगे,
अकॉर्डिंग टू आर एसआई सिस्टम वी यूज द प्रीफिक्सेस लाइक 10 टू पावर माइनस 1 के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं डेसी, 10 टू पावर माइनस 2 सेंटी, 10 टू पावर माइनस 3 मिली, 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रो, 10 टू पावर माइनस 9 नैनो, 10 टू पावर माइनस 12 पीको, 10 टू पावर माइनस 15 फेमटो. In the same way, if the powers are not in negative sign, means 10 to power 1, we use deca for that. 10 to power 2, hecta. 10 to power 3, kilo. 10 to power 6, mega. 10 to power 9, giga. 10 to power 12, tera. 10 to power 15, peta. अब इसके लिए simple example, जैसे हम कहें कि अगर हम मैंने कहा कि 1 kg is equal to 1000 gram. 1000 gram means 10 की power 3 gram. तो 10 की पावर 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज इक्वल टू 1 किलो. इसी तरह मिली क्या रिप्रेजेंट करता है 10 टू पावर माइनस 3. तो हम इस तरह से इन सबको एज प्रीफिक्सेस यूज करते हैं. अगर हमारे पास टर्म में इस तरह का कोई यूनिट हो तो अकॉर्डिंगली हम एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ये प्रीफिक्सेस उस टर्म में यूज करते हैं. Now next we are proceeding towards scientific notation. What scientific notation is? Like if a number is given to us like 2, 3, 4, 5. अगर हमें ये number दिया है, हमें इसे scientific notation में लिखना है. To write it in scientific notation, the way is to put the decimal after first digit और बाकी का सारा 10 की power बना देंगे. अब समझेंगे कैसे. हम इसे क्या लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5. अगर हम इसे 1000 के साथ डिवाइड कर दें और 1000 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग. अब हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2.345. तीन जीरोस के तीन नंबर के बाद पीछे से डेसिमल लग जाएगा. And this will become 10 to power 3. This is the way to write the scientific notation कि पहले number के बाद decimal और बाकी का सारा हम 10 की power बना देंगे. इसी को एक और example के साथ explain करते हुए, जैसे हम लिखे 2, 4, 6, 8, 5. अब हमने क्या करना है, पहले number के बाद decimal लगाना है. पीछे कितने digits हैं 1, 2, 3, 4. तो हम इसको 10,000 के साथ जितने डिजिट्स होंगे उतने के साथ ही डिवाइड कर दें और उतने के साथ ही अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम वन एंड द सेम थिंग. इसके बाद हमने क्या किया, ये वाली जो वैल्यू थी इसके वजह से तो हमने डेसिमल लगा लिया 2.4685 एंड दिस विल बिकम 10 टू पावर 4. सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन. This is the way to write the scientific notation. This all which we are doing is basically it is useful to you to write the answer in your numericals, to calculate the answer in numericals, because you have to give the answer in the scientific form there. And the prefixes which we have done, they are also helpful there. जहां हमें values को एक ही जैसे unit में रखना होता है या हमें किसी unit को convert करना होता है. So this is the way to write the scientific notation. Now the next step is if we have to do addition or subtraction using scientific notation. Taking an example, 6.65 into 10 to power 4 plus 8.95 into 10 to power 4. हमें क्या करना है, इन्हें add करना है. 6.65 into 10 to power 4 प्लस 8.95 इंटू 10 टू पावर 4. दोनों के लिए ये वाली चीज कॉमन है, हम इन्हें कॉमन निकाल लेंगे. 6.65 प्लस 8.95 इंटू 10 टू पावर 4 इज कॉमन फॉर बोथ एंड वील गेट द आंसर 15.60 इंटू 10 टू पावर 4. बट स्टिल दिस आंसर इज नॉट इन द साइंटिफिक फॉर्म, क्योंकि हमने कहा कि जो साइंटिफिक फॉर्म है वो क्या है, पहले नंबर के बाद डेसिमल और बाकी सारा 10 की पावर. अब हम अगर पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेसिमल खोलेंगे 1560 अपॉन 100 इनटू 10 टू पावर 4. लेकिन हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, 5 से पहले. इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए. 2 डिजिट के लिए ऑलरेडी 2 जीरोस थी,
अगर हमें एक और डिजिट डेसिमल के बाद चाहिए, मींस हम इसी को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 10 के साथ डिवाइड कर दें, फाइनली हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1560 इंटू 10^4 अपॉन 1000। इस 1000 के लिए हम डेसिमल लगा देंगे, 1.560 इंटू 10^4 विल बी द 10^5 विल बी द फाइनल आंसर। ये 10^4 एंड हियर 10^1 दे विल गेट एडेड अप एंड इट विल बिकम 10^5। सो इन साइंटिफिक नोटेशन द आंसर विल बी 1.560 इंटू 10^5। हम साइंटिफिक नोटेशन में एड कैसे करेंगे, इन पावर्स वाली वैल्यूज को एक जैसा करके फिर इन नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, लेकिन जो आंसर आया वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था, उसे साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमें डेसिमल यहाँ चाहिए था। यहाँ डेसिमल लाने के लिए हमने देखा कि अगर हम इस वैल्यू को ओपन करें तो वील गेट 100 एज अ डिनोमिनेटर, लेकिन अगर हमें 5 से पहले डेसिमल लाना है तो डिनोमिनेटर में 1000 होना चाहिए। मीन्स अगर हम इस पूरी वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 10 के साथ डिवाइड कर दें, देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1560 इनटू 10^5 हियर एंड 1000 इन द डिनोमिनेटर। इस 1000 का हमने डेसिमल लगा लिया, 1.560 इनटू 10^5 इज द फाइनल आंसर व्हेन वी एडेड अप दीज साइंटिफिक नोटेशंस। इसी में एक और चेंज करते हुए अगर हम कहें कि हमारे पास यहाँ पर 8.95 इंटू 10^3 था, तो हमने इस 10^3 को 4 में कन्वर्ट करना है। नाउ इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू मेक दीज यूनिट्स सेम, इस यूनिट को इसके सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8.95 इंटू 10^3 इज ऑलरेडी देयर, वी वॉन्ट 10^4 हेयर। अगर यहाँ हमें 10^4 लाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10, वन मोर 10, 10 के साथ ही जितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उतने के साथ ही डिवाइड करेंगे। नाउ ओपनिंग दिस डेसिमल हम इसे क्या लिख सकते हैं, 895 अपॉन 100 इंटू 10^3 इंटू 10^1 इट विल बिकम 10^4 बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड अप एंड द 10 विच वॉज इन द डिनोमिनेटर नाउ वी हैव गॉट 0.895 इंटू 10^4। अब हमारे पास ये दोनों चीजें सेम हो गई। अब अगेन प्रोसीडिंग विद द सेम प्रोसेस, 6.65 इंटू 10^4 प्लस 0.895 इंटू 10^4, अगेन 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10^4। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 7.545 इंटू 10^4 विल बी द आंसर। तो हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली द आंसर इज इन द साइंटिफिक फॉर्म, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो इन दिस वे वी डू द कन्वर्जन एंड डू द एडिशन इन साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह अगर हमें सब्ट्रैक्शन भी साइंटिफिक नोटेशन में करनी है तो द वे इज द सेम, पावर्स वाली वैल्यूज को हम कॉमन बनाकर कॉमन बाहर निकाल लेंगे और बाकी की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2.5 इंटू 10^-2 माइनस 1.5 इंटू 10^-2। नाउ फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर 10^-2 इज कॉमन, 2.5 माइनस 1.5 इंटू 10^-2 इसको सब्ट्रैक्ट किया वील गेट 1.0 इंटू 10^-2। सो इन दिस वे वी कैन डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन using scientific notation. Coming to multiplication, here is the example, 5.6 into 10^5 into 6.9 into 10^8. Now here, according to the rule, what we will do, 5.6 into 6.9 into, where in case of multiplication, when base are same, the powers they are added up, so we will get 10^13 here. On their multiplication, 5.6 or 6.9 को अगर हम multiply करें, we will get
38.64 into 10 to power 13. But again, still the answer is not in scientific notation. To convert it to scientific notation, 38.64 का डेसिमल हटाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा 100. लेकिन हमें क्या चाहिए कि डेसिमल 8 से पहले आ जाए. तो means we need 1000 in the denominator. 1000 होगा, 3 zeros होंगी, तो हम पीछे से गिनकर 8 से पहले डेसिमल लगा लेंगे. 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. Now in all we have got 3864 into 10 to power 14 here and 1000 here in the denominator. For this 1000 we'll put up the decimal. 3.864 into 10 to power 14 will be the final answer here if we give the answer in the scientific notation. The same procedure will be carried out in case of division also. Isme bhi, if division mein the powers they are subtracted and in multiplication the powers they get added up. So these are the basic things. These were studied in the previous classes also, but they are required for the numerical calculations in the chapters to come. So practice more questions based on this addition, subtraction, multiplication and division using scientific notation and prefixes used in SI system. Thank you.